ताजनगरी आगरा में शातिर बदमाशों के बुलंद हौसले पुलिस की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। शहर की सड़कों पर होने वाली लूट, डकैती और छिनैती जैसी घटनाएं आए दिन देखने को मिल रही हैं। वहीं गुरुवार को आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बुलेट सवार बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बुलेट सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर शिखर वेल स्टार फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के लाखों रुपयों से भरा बैग लूटकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बदमाशों ने वारदात को एतमादपुर की छरेशर चौकी के पास अंजाम दिया है। कमला नगर के शिखर स्टाफ फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। कर्मचारी प्रमोद गुरुवार दोपहर को एतमादपुर के रहन खुर्द गाँव से रुपये का कलेक्शन करके लौट रहा था, तभी झरना नाले झलेसर के पास पीछे से आए दो बुलेट सवार बदमाशों ने उसे रोक लिया और कर्मचारी पर तमंचा तान दिया, जिसके बाद शातिरों ने कर्मचारी से बैग लूट लिया। बैग में करीब 1,10,000 रुपए थे, जो कि कर्मचारी ने कलेक्शन किए थे, जिसके बाद बदमाश धमकी देकर वहां से भाग गए। वहीं इस घटना का शिकार हुए कर्मचारी ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी। तब सीओ एतमादपुर पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कंपनी के आला अफसर भी आ गए। एरिया मैनेजर जितेंद्र यादव ने बताया कि प्रमोद रहन खुर्द गांव से कलेक्शन लेकर आगरा की मेन ब्रांच में आ रहा था। झरना नाले के पास वारदात हुई। पुलिस ने कर्मचारी से जानकारी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हमें अभी, मैं हाथरस में था, मुझे मेरी कंपनी से फोन आया कि आप इमीडिएट कमला नगर ब्रांच पहुंचे। पता चला कि यहाँ प्रमोद नाम का जो हमारा स्टाफ था, फील्ड स्टाफ, उसके साथ 1,10,010 रुपये का जो आज का कलेक्शन था, रैन खुर्द एरिया से जो कलेक्शन लेके आ रहा था, उसका दो बुलेट पे सवार लोग और कुछ था उनके पास, शायद गन था, और गन के दम पे उन्होंने वो पैसा स्नैच किया है। कहाँ से कलेक्शन करके ला रहे? रैन खुर्द गाँव से, और ये छलेसर चौकी के आगे की बात है, जहाँ बम्बई के पास। क्या बताया उन पर, दोनों बाइक सवार थे, दोनों पे हथियार थे? नहीं। एक बताया जा रहा है कि एक के पास, मतलब गन पॉइंट पे पैसा लेते। हाँ, वो तो ऐसे ही बोला है। अभी लड़के से हमारी मुलाकात हुई नहीं है, उसको पैसे किस बैग में थे? हाँ, बैग में। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।